And look at the view. गाइस पहुंच चुके हैं लवर्स व्यू पॉइंट। बाइक कहां पे रखी है? वही आलू ना। लेट्स पार्क इट ओवर हियर। पहला कुछ खाऊं मैं ना? वही कुछ खाऊं मैं ना पहला? And look at the view. ओके गाइस, सो देयर इज द व्यू। यहाँ पे बैठ के अभी चाय और मैगी हुआ, तो बस इस डे के फुल बाय बाय करते हैं। ऑलराइट गाइस, पहुँच चुके हैं लामाहट्टा और यहाँ से जोर बंगलो अराउंड 15 किलोमीटर और जो अपना मेन लोकेशन है, मेन लोकेशन का नाम ही भूल गया मैं तो, क्या एक स्टेशन है। सो गाइस, दिस इज द पार्क ऑफ लामाहट्टा, जो कि टिकट लगा है ऊपर जाने के लिए, वहाँ से मिलेगा और फिर आप अंदर जाके जो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। और लेकिन हम ये काम फ्री में ही कर रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं फ़ोटो। सो ऑलराइट गाइस, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। और वैसे अंदर जाने का उतना सेंस लगा नहीं, क्योंकि जो बाहर से दिख रहा है वो ये अंदर से है। बस अंदर में जाके आपको एक पीस मिल सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे हम तो बहुत टाइम लेके आए थे भैया जी, पर क्या करें, बाइक में लग गया बहुत टाइम, पर जो भी है सही है। बाकी अभी खींचते हैं। थैंक्स लामाहट्टा। ओके, विल विजिट नेक्स्ट टाइम। और अंदर जाके एक्सप्लोर करके जाएंगे भाई साहब, ऐसे बाहर बाहर से फोटो खींच के पैसे बचा के नहीं जाएंगे, पैसे खर्चेंगे भाई साहब पैसे। लेकिन अभी बहुत खर्चा हो गया भाई साहब, बाइक में लग गया, कल लगाया था, आज फिर लग गया, ओ माय गॉड। और ऐसे अभी ये मेरे को रास्ते में राइड करके बड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जब मैं घर जा रहा था अगस्त के टाइम, तो इसी रास्ते से गया था और मेरे को अभी वो क्या कहते हैं, फ्लैशबैक आ रहा है, तो बड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है।
पुरानी यादें सब आ रही है। रोड तब भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन उस समय जो भाई साहब बारिश हो रही थी, आए हाय क्या बारिश हो रही थी। रिकॉर्डिंग तो नहीं किया था मैंने उतना, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया था, और उसके बाद जो बारिश का मज़ा लिया था मैंने, भाई साहब क्या मस्त मज़े आए थे, वो भी क्या राइड था। One hour later. हेलो, बस 5 किलोमीटर अजय। 5 किलोमीटर पहुंच चुके जो सोना था, और इसको लेने आया, ये देखो ये चेहरा कम दे दिला साला, तो बाइक बिक रहा है, 500 रुपए दे बाइक बिक रहे। ये पापी चेहरा देखो, इसी को लेने के लिए आए हम लोग। ऑल गाइस पहुंच चुके, और ये रोड तो काफी भयंकर था भाई। और बाकी जो भी है, पहुंच चुके हैं, जाते हैं रेस्ट करेंगे थोड़े सा। रोड तो देखो भाई सब। One hour later. ये तो बड़ा ही All right guys, leaving from the Sonada, और समीर अपने साथ तो हो चुका है, और यहाँ से बस अपन निकल रहे हैं, और ये था सोनादा स्टेशन, जो कि फ़ोटो खींचने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से अभी अपन जाएंगे मेन दार्जिलिंग चौरस्ता, वो कहाँ जाने रहे यहाँ पर, दार्जिलिंग चौरस्ता, बहुत ही फेमस जगह है। ओ तिमीलाई म लिनु आए कि भन्नु चाहिन्छ मेरो ब्लगमा, तेल हालिदियोस् मलाई, हो मलाई तेल हालिदियोस् हो। हिन्दी ब्लग में कभी कभी नेपाली आ जाता है। जिसने समझ लिया उसके लिए वेरी गुड, जिसने नहीं समझा उसको हम बाद में समझाएंगे। सो अबाउट टू रीच चौरस्ता, और आज का हमारा टूर गाइड है मिस्टर समीर गुरुंग खान शर्मा सब कुछ। ये एकदम मजा ले। ओ समीर हामी कहाँ पुगे रे, यहाँ हेरेर भन न हामी कहाँ पुगे रे। और यहाँ पे अपना फोटोशूट चल रहा है, अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफर विद अपना मॉडल मिस्टर नितिन गंगेरी, हरियाणा का लौंडा। और अगर दार्जिलिंग आया और यहाँ पे फोटो नहीं खींचा तो भाई दार्जिलिंग क्यों आया, हो गया ना भाना था। चौरस्ता
और कुछ यहाँ पे ऐसा सीन है, वहाँ पे एक लाइव शो चल रहा है, बैंड शो, और इधर एक बड़े स्क्रीन पे भी गाना चल रहा है, और सब को यहाँ पे चिल करते हुए, काफ़ी हैपनिंग सा जगह है। ओल्ड रेट गाइस लिविंग फ्रॉम चौरास्ता इन वॉकिंग एरिया है एज लाइक एम जी मार्ग। सो अभी यहाँ से अब निकल रहे हैं चौरास्ता से, और पता नहीं अपना टूर गाइड कहाँ पे लेके जाएगा अब, या फिर अब लेट भी हो रहा है तो हो सकता है कि डायरेक्ट हम घर चले जाएं, और अगर घर जाएंगी तो फिर व्लॉग को बीच में कहीं पर एंड कर देंगे। और वैसे बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो हमको लगता है कि हम अपना कैमरा जो है वो बैग में डाल देंगे, और अगर कैमरा बैग में गया तो आपको मिलेंगे हम कहीं किसी जगह पे। ओए होए बारिश बारिश, कैमरा बंद करो। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. La. Good night. La. All right guys, so finally पहुंच गए हैं घर, और अभी अपना जो दोस्त है समीर उसको ड्रॉप कर दिया था, जो कि आपने देख ही लिया, इसका गुड नाइट तो हो गया, और अभी बस अपन निकल रहे अपने घर के लिए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, जो कि हम लोग गए थे दार्जिलिंग बस इसको रिसीव करने, और सोचा एक ऐसा रिफ्रेशमेंट राइड भी हो जाएगा, तो इसीलिए बस निकल पड़े हम भी एक रिफ्रेशमेंट राइड के लिए। और भाई साहब अभी इतना थक गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और भाई साहब बारिश इतनी भयंकर कि कैमरा निकाल ही नहीं पाए। अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो ज़मीन तो गीला है लेकिन बारिश नहीं है, इसीलिए सोचा कि चलते चलते अपन अपना वीडियो भी एंड कर दें। सो विद दैट सेट आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो विद दैट सेट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, टेक केयर एंड लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। भाई साहब जोश तो बिल्कुल नहीं है आज तो, कमर की बैंड बज चुकी है और पॉकेट की भी बैंड बज चुकी है। हाँ 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 पहुँच गए जी घर।